उसके बाद अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें आपको किस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ से वैल्यू भी निकालनी है टेंजेंट 80 डिग्री की। तो सबसे पहले आप डेट कर लो वही वाई इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इसमें अच्छा सवाल में थीटा की रेंज नहीं गिवन थी, तो पेपर में आमतौर पर गिवन होती है। लेट्स से अगर गिवन नहीं हो तो आपकी मर्ज़ी है, माइनस पाए से पाए बना दो या 0 से लेके 2 पाए बना दो, आपकी मर्ज़ी होगी बस। तो इस सवाल में नहीं गिवन, तो आमतौर पे यही पिछले सवालों में गिवन थी, तो मैं इसी रेंज पे बना रहा हूँ। पेपर में गिवन होती है एक सेट ऑफ वैल्यूज़, सबसे पहले थीटा की आपने लेट करनी है, इंटरवल क्या होगा 30 डिग्री का होगा, 0, 30 डिग्री, पे 60, 90, इसी तरह नेगेटिव में भी आपने जाना है। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब वैल्यूज़ निकालने का वही प्रोसेस है सिंपल, आपको टेंजेंट फंक्शन की निकालनी है तो आप टेंजेंट लिखो, कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए ये देख लेना। अच्छा टेंजेंट -180 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, 0 डिग्री आ रही है। -150 पे क्या आएगी, अच्छा ये पॉइंट में निकालने के लिए आप ये वाला बटन दबाओ तो आपके पास आ रहा है 0.577, वो मैंने लिख दी। इसी तरह बाकी भी आप निकाल लेना कोई भी वैल्यू, लेट से अगर आपको 120 की निकालनी है, +120, तो -√3 आ रही है, ये वाला बटन दबाओ पॉइंट में आ जाएगी -1.73, तो 120 की -1.73 आ जाएगी। इसी तरह जितनी वैल्यूज जो आपने थीटा की लेट की हैं वो आप पुट करो टेंजेंट के अंदर, और ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जब आप टेंजेंट 90 लिखोगे ना कैलकुलेटर में तो आपके पास मैथ एरर आ रहा होगा, तो मैथ एरर का मतलब इन्फिनिटी होता है। टेंजेंट 90 आपके पास होता है 1/0, और 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा चैप्टर में 11 में थोड़ा इसको ब्रीफ भी करूँगा, तो इसलिए कैलकुलेटर मैथ एरर देगा, लेकिन आप लोग समझ जाना वो इन्फिनिटी आ रहा है। देखो दो टाइप के एरर आते हैं, एक तो आता है सिंटिक्स एरर, अब वो एरर आता है उस वक्त आता है जब आपने ब्रैकेट सही नहीं लगाई या मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा कर दिए या कोई आपने गलती की, उस वक्त आता है तो सिंटेक्स एरर होता है। एक होता है मैथ एरर, मतलब इन्फिनिटी आपके पास आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो उसमें आपके पास मैथ एरर आ जाता है। तो जब कैलकुलेटर टेंजेंट 90 पे आपको मैथ एरर दे तो समझ जाओ इन्फिनिटी आंसर है उसका। जब ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी अब कैलकुलेटर का काम ख़त्म, अब आपने आना है ग्राफ पे। अब अगेन जो हमारे पास एंगल्स जो हैं वो वही हैं जो हम साइन और कॉस में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो आपने चेंज नहीं करना है, एक्स एक्सिस पे वही आपने लिखना है 6 स्मॉल बॉक्स जो है 30 डिग्री के बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्मॉल बॉक्स 30 डिग्री के बराबर है, इसी तरह 6 स्मॉल बॉक्स 30, 6 स्मॉल 30 डिग्री के बराबर है, तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो आपके पास वाई वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, आपके पास चेंज आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो वाई वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं। देखो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इस पूरे टेबल में ना 1.73 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम आपके पास क्या आ रही है 1.73 आ रही है। जैसे उधर साइन के केस में मैक्सिमम 1 थी, मिनिमम -1 थी, कॉस के केस में भी यही था, इधर आपके पास मैक्सिमम 1.73 है और मिनिमम -1.73 है, तो आप इसके हिसाब से अपना स्केल बनाओ। तो मैंने स्केल क्या ऐड किया है, 1 स्मॉल बॉक्स जो है 0.1 के बराबर है। अगेन उस रूल को ध्यान में रखना कि 70-75% कवर होना चाहिए पूरा ग्राफ पेपर आपका, जो भी आप कर्व बना रहे हो वो 70-75% होना चाहिए। तो अब ये 2 तक मैंने किया है, दिखने में अगर ये साइन फंक्शन होता तो सही चीज़ नहीं होती, क्योंकि साइन फंक्शन 1 पे ख़त्म हो जाता है, तो ये ग्राफ इस तरह बन जाता, लेकिन ये टेंजेंट फंक्शन डिफरेंट है, ये किस तरह कवर करेगा पूरे ग्राफ को वो आप देख लेना। खैर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है, -180 डिग्री पे आपकी 0 वैल्यू आ रही है, तो ये आपके पास है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा ये टेबल से मैं वैल्यू सारी बता रहा हूँ, तो अगेन मैं जूम करूँ ताकि आप लोगों को सही पिक्चर नज़र आए। तो सबसे पहले -180 डिग्री पे 0 वैल्यू आ रही है, तो ये -180 डिग्री है, वाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करो इसको। फिर -150 डिग्री पे 0.577 आ रही है। अब सबसे पहले -150 ढूंढो, ये -150 डिग्री है, उसके बाद 0.577 ढूंढो। देखो अच्छा पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, तो 0.577 कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे ना एक स्मॉल बॉक्स जो है वो कितने के बराबर है, 0.1 के बराबर है, तो इतना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये आपके पास है 0.5, और ये वाला आपके पास क्या है 0.6, ये आपके पास है 0.5 और ये आपके पास है 0.6, तो 0.5 और 0.6 के दरमियान 0.577 वैल्यू होगी। तो आप अपने अंदाजे से 0.5 और 0.6 के दरमियान एक वैल्यू कंसिडर कर लो, थोड़ी सी 0.6 लाइन के पास होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि 0.577 है ना, तो 0.5 की ये वाली लाइन है और 0. ये 0.5 की लाइन है और 0.6 की लाइन है, तो 0.6 के करीब एक आप पॉइंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि जो 0.577 है वो 0.6 के ज़्यादा करीब है। उसके बाद -120 डिग्री पे आपकी वैल्यू आ रही है 1.73, तो -120 डिग्री ये है और 1.73 डूडो कहाँ है,
पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे, ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7. तो 1.73 है तो 1.7 से थोड़ा आप ऊपर जाओगे, तो ये 1.7 की लाइन है. और ये आपके पास -120 डिग्री की लाइन है, ये वाला सीन है. ये आपके पास है 1.7 की लाइन और ये आपके पास है -120 डिग्री की लाइन. तो ये थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बनाओ, क्योंकि 1.73 है ना, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेना. तो ये इस पॉइंट पे जाके ड्रॉ हो जाएगा. देखो ये -120 डिग्री आ रहा है आपके पास, और ये आपके पास 1.7 की लाइन थी, तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बनाया. तो इस तरह 1.73 वाला पॉइंट भी आपका ड्रॉ हो गया. फिर है -90 डिग्री पे इन्फिनिटी है. अब इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसको फिलहाल छोड़ लो. -60 पे आ जाओ. -60 पे आपको वैल्यू मिल रही है -1.73. -1.73 इसका मतलब है आप नीचे आ जाओगे. -60 कहाँ है, ये -60 है. 1.73, -1.73 कहाँ पे है, तो ये -1 है, ये -1.5 और ये होगा -1.7. तो ये है -1.7 और ये है आपका -60. ये होता अगर 1.7 होता, 1.73 है ना, तो मैं थोड़ी सी नीचे बना रहा हूँ इसको पॉइंट. -1.73 आपका ड्रॉ हो गया. फिर है -30 डिग्री पे -0.577. तो -30, 0.577 कहाँ होगा, ये पॉइंट है -0.5, ये है -0.6. तो -0.5 और -0.6 के दरमियान ही वैल्यू लाई करेगी -0.577. तो इसके दरमियान आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना, ये आपके पास 30 डिग्री है. तो कोशिश करना 0.6 की तरफ थोड़ा सा आपका पॉइंट ज़्यादा हो, तो ये पॉइंट आपका ड्रॉ हो जाएगा -0.577. उसके बाद 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है, तो ये 0 डिग्री पे 0 वैल्यू मतलब ओरिजिन आ जाएगा. उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ पे आ जाओ. 30 डिग्री पे आपको 0.577 मिल रही है, तो ये आपके पास 30 डिग्री है, इस पे आपको 0.577. अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है, तो अब मैं जल्दी में ही ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये आपको 0.577 मिल जाएगा 30 डिग्री पे, 0.577. फिर है 60 डिग्री पे 1.73, ये 60 डिग्री है और 1.73 क्या है, ये 1.5 है, 1.6, 1.7. तो 1.7 तो इधर कहीं पॉइंट आपका लाया कर रहा होगा. 1.73 थोड़ा सा ऊपर पॉइंट है और ये लाइन जो है ये आपके 60 डिग्री की है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया. फिर 90 डिग्री को अभी छोड़ दो. इन्फिनिटी कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ. 120 डिग्री पे -1.73, ये 120 डिग्री है. -1.73 क्या होगा, ये है -1.5, -1.6, -1.7. तो इससे आप इधर आ जाओ और ये है आपके पास -120 डिग्री. अब 1.73 है ना, तो अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो ये ड्रॉ हो जाएगा -1.73. फिर है 150 पे -0.577. तो 150 पे -0.57, ये है 0.5 या 0.6. -150 पे 0.577 है, तो थोड़ा सा आप नीचे ड्रॉ कर लो इसको. अभी देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. 180 डिग्री पे आपकी 0 वैल्यू आ रही है, ये 180 डिग्री है, यहाँ पे 0 आ रही है वाई की वैल्यू, तो आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, ये सारे आपके पॉइंट ड्रॉ हो जाएंगे. उसके बाद आ जाओ इस पॉइंट पे कि अब आप इन्फिनिटी के साथ क्या ट्रीट करोगे. देखो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है. इन्फिनिटी नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है. ये जो इन्फिनिटी लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉन्सेप्ट है, ये नंबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है. तो इसको आप कैलकुलेटर से कैसे वेरीफाई कर सकते हो. देखो टेंजेंट 90 तो आप निकाल नहीं सकते. लेट्स से अगर आप टेंजेंट 89.9 निकाल रहे हो तो कैलकुलेटर क्या वैल्यू दे रहा है. 89.9 पे आपको वैल्यू मिल रही है 572 और पॉइंट में आ रही है. अगर मैं 2 9 और एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब वैल्यू कितनी होगी, अब 57,295 हो गई है. वह वैल्यू कितनी जल्दी भर रही है. अब मैं 2 9 और लगा रहा हूँ, अब देखो अब आपके पास कितना हो गया है, 57,29,577. इतनी वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो जैसे ही आपकी वैल्यू 89.99 मतलब 90 के करीब जाती जाएगी, आपकी वाई वैल्यू बढ़ती जा रही है बहुत. तो इन्फिनिटी का मतलब ये कि जैसे ही आपकी या 90 होगी तो वैल्यू आपकी बहुत ही बड़ी हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का. तो अब ग्राफ पे कैसे शो करोगे. देखो तो ग्राफ बेचारे की औकात कितनी, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा. इन्फिनिटी कैसे शो करेंगे. सबसे पहले इन्फिनिटी शो करने के लिए आप टेंजेंट के ग्राफ में 90 डिग्री और -90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देना.
तो ये माइनस 90 डिग्री पे मैंने एक पूरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह 90 डिग्री पे भी आप ड्रॉ करो। तो 90 डिग्री पे भी आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, माइनस 90 पे भी ड्रॉ कर ली है और 90 डिग्री पे भी ड्रॉ कर ली। अब आप देखो आपने टेंजेंट का ग्राफ बनाना किस तरह। देखो जो पॉइंट आपके पास आए थे ना, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, इसको आप ड्रॉ करो और किस तरीके से ड्रॉ करोगे वो देख लो। आपने क्या करना है, आपने 180 पी ए वाला, माइनस 180 पे पॉइंट मिला था और ये पॉइंट मिला था, इनको सबसे पहले आपस में ज्वाइन करो, फिर इनको और इस पॉइंट को ज्वाइन करो। ये मैंने पॉइंट ड्रॉ, उसके बाद जब ये पॉइंट आपका आप मिला लोगे, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ना बिल्कुल इसके पैरेलल आपने चलाना शुरू कर देना है। कैसे, ये देखो बिल्कुल। अब क्या करो, थोड़ा सा कर्व तक करीब आया, अब बिल्कुल इसके पैरेलल आप चलाते जाओ, लाइन को इंक्रीज करते जाओ करते जाओ इस तरह। तो ये बनेगी थोड़ी इस तरह करते करते आप बिल्कुल इसको ऊपर ले जाओ और आप बिल्कुल इसके पैरेलल आप चलाते रहो और बना दो ड्रॉ, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ भी ये काम करोगे, एक पॉइंट आपके पास ये था, एक पॉइंट ये था आपके पास और ये आपको ओरिजिन मिला था, तो आप क्या करो सबसे पहले ओरिजिन और इस पॉइंट को ड्रॉ करो। अभी ग्राफ आप उल्टा कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, अलाउ होता है पेपर में। तो आप इसको सबसे पहले इनको आपस में ज्वाइन करो, फिर इन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लो। जब ये ज्वाइन हो जाए आपके पास, तो आप क्या करो इस लाइन को थोड़ा इस वर्टिकल लाइन के करीब लाओ और उसके बाद पैरेलल में चलाओ इसको। ग्राफ थोड़ा सा ख़राब बना, मैं ठीक कर लेता हूँ पहले से। तो अब थोड़ी आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगी होगी कि ये वाला आपने इस तरह बनाना है और बिल्कुल वर्टिकल लाइन के साथ साथ चलाने लग जाओ, और इस वाले को आप इस तरह नीचे बनाओ और बिल्कुल वर्टिकल लाइन के साथ साथ चलाते जाओ। उसके बाद जो आपने यहाँ काम किया ना, इधर भी आप यही काम करने लग जाओ। ये पूरा कर्व था चलता 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 ये इस तरह बन गया। अब अगेन कहीं थोड़ा करीब हुआ हुआ है, कहीं थोड़ा दूर हुआ हुआ है, तो इतना एरर आपका चलता है, इसकी टेंशन नहीं लो इतनी। तो ये खैर आपका कर्व बन गया। अब आखिरी आपने ये पॉइंट आपस में इनको ज्वाइन करना है। तो अब फाइनली हमारा टेंजेंट ग्राफ बन गया, और वो क्या है कि आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये आपके पास सबसे पहले इधर बना हुआ है, ठीक है, ये फिर इधर पूरा बन रहा है और फिर ये इधर पूरा बन रहा है। तो मैं तस्वीर ऐड कर दूंगा कि बेसिकली टेंजेंट ग्राफ होता क्या है। ये तो असल में हमने माइनस 180 से 180 किया ना, तो आप लोगों को लग रहा है पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये इसी तरह बन रहा होता है। ये इधर बन रहा है इस तरह, फिर ये इधर दोबारा इस तरह बनेगा, फिर ये इधर उस तरह बनेगा, वो कारपेट पर बन जाएगा जाके। तो इसी टाइप का होगा, मैं तस्वीर ऐड करूँगा, देख लेना टेंजेंट ग्राफ होता किस तरह, पूरा बना हुआ होगा। तो इस तरह आप टेंजेंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे। थोड़ा सा कर्व को मैंने ठीक कर लिया अपना, स्मूथ बना दिया हर कर्व जितने भी बनाए हैं, आप लोग पेपर में ऐसे ही करना, थोड़ा स्मूथ कर देना है इसको। अब इस लाइन के बारे में थोड़ा समझ लो कि अब लाइन भी आई है, तो थोड़ा बताना पड़ेगा कि हमने क्यों इस तरह बनाया, क्या चीज़ बनाई है। देखो जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम एजम टोट बोलते हैं, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एजम टोट। इसका मतलब ये होता है एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व के पास अप्रोच कर रही होती है, एक कर्व के बाद अप्रोच कर रही थी लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये वाली लाइन जो है, मैं कर्व बनाता हूँ इस तरह, ये कर्व चला हुआ आ रहा है, अभी कर्व देखो इस लाइन के बिल्कुल पास आ रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा। आप जितना इसको ड्रॉ कर लो, इस लाइन को आगे ले जाओ, ये इससे बिल्कुल पास होता जाएगा लेकिन कभी क्रॉस नहीं कर रहा इसको। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है, जिसके पास एक कर्व अप्रोच कर रहा है लेकिन उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। अब एसिम्प्टोट की डिफरेंट टाइप होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, सीधी लाइन, जैसे सीधी लाइन बनाने की कोशिश की है मैंने, एक होती है वर्टिकल एसिम्प्टोट, जो ये था कि एक वर्टिकल लाइन है जिसके पास ये देखो कर्व अप्रोच कर रहा है, इसके पास बिल्कुल आ रहा है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। आप जितना इसको आगे फर्दर बनाते जाओ, ये इसके करीब होता जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो मेरा मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, वो मिलेंगे नहीं कभी आपस में। इसी तरह ये भी देखो, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, इस लाइन के पास अप्रोच कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट बोलेंगे।
अगर ये लाइन है तो वर्टिकल एजम्पटोट, अगर इस तरह कोई होती लाइन तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एजम्पटोट, और अगर इस तरह ना होती कोई रैंडम लाइन इस तरह होती किसी भी एंगल पे तो उसको ऑब्लिक एजम्पटोट हम बोलते हैं, लेकिन वो आती नहीं है। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं कि लाइन क्या बला है और क्यों आई है इधर। अब आपको फाइंड करना है टेंजेंट 80 डिग्री की वैल्यू ग्राफ के ज़रिए से। अब देखो 80 डिग्री ग्राफ के ज़रिए से निकालना बहुत मुश्किल काम है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि सबसे पहले 80 डिग्री ढूंढ लो है कहाँ पे। देखो ये 60, दो डिवीज़न जो है एक्स एक्सिस पे वो 10 डिग्री के बराबर है, तो एक दो ये हो जाएगा 70 डिग्री, एक दो ये, तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 80 डिग्री है, ये वाला पॉइंट। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको तो ज़्यादा ही जूम हो गया है। तो अगर आप 80 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये 80 डिग्री है और ये आप ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये उसके पास जा रही है, मिल नहीं रही उससे। देखो ये वाली लाइन हमारी 80 डिग्री वाली लाइन इस कर्व के बिल्कुल पास, हमारा कर्व इस तरह जा रहा है और ये 80 डिग्री वाली लाइन इस तरह जा रही है, तो इस पॉइंट पे मिल नहीं रहे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से निकालो, अच्छा सबसे पहले देखो ये वाई वैल्यू 2 है, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 है, तो 5 पे तो वो नहीं मिल रहे, इसका मतलब 5 वैल्यू नहीं होगी। अगर आप निकालो कैलकुलेटर में टेंजेंट 80 डिग्री की वैल्यू तो वो आपके पास आ रही होगी 5.67। अब मसला ये है कि आप ग्राफ की जिस तरह आपने स्केलिंग की हुई है, अब अगर आप स्केलिंग बहुत छोटी कर दोगे तो मसला हो जाएगा। तो टेंजेंट 80 डिग्री की वैल्यू आप ग्राफ से निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सवाल मुझे नहीं लगता कि वो पेपर में देंगे टेंजेंट 80 डिग्री, क्योंकि आपके पास कोई सिचुएशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप 80 डिग्री की वैल्यू ग्राफ से निकालो, क्योंकि 90 असल में मसला है कि एसिम्प्टोट आ गया ना इसके अंदर, 90 डिग्री पे आपको बस ग्राफ के पास लेके जाना है। अब कोई स्टूडेंट ग्राफ के थोड़ा ज़्यादा पास ले आएगा, कोई थोड़ा दूर ले आएगा, तो वैल्यू निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो मैंने स्मूथ किया ग्राफ, ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के स्मूथ किया। अगर आप देखो ये जो 80 डिग्री आपके पास आ रही है वैल्यू, तो इस लाइन के बिल्कुल पास से मैंने एक ये कर्व ड्रॉ किया है। तो अब ये आप पेपर में इस तरह ड्रॉ तो कर दोगे, लेकिन ग्राफ से आप कैसे 5.67 निकाल सकते हो? कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर्व स्मूथ तो कर दोगे, 80 डिग्री के पास तो ले आओगे, इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हो आप, लेकिन मसला है कि आप वैल्यू ग्राफ से नहीं निकाल सकते। तो टेंजेंट 80 डिग्री नहीं आ सकता, टेंजेंट 80 डिग्री ग्राफ से निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कोई और वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेट से अगर आपको टेंजेंट 40 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो ये आपके पास 30 है और ये आपके पास 40 है, तो 40 से अगर आप ऊपर जाओगे तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट समवेयर ये है 0.8 0.85 आ रहा है। तो हम निकाल के देख लेते हैं, टेंजेंट 80 जो है, सॉरी टेंजेंट 40 हमारा 0.85 आ रहा था, 0.83 आ रहा है, तो तकरीबन हमारी वैल्यू करीब है इस तरह से। लेकिन टेंजेंट 80 डिग्री जो है वो मसला कर सकती है, तो ये वैल्यू पेपर में आना इम्पॉसिबल है। ये आपको अगर आप हाथ से बनाओ ग्राफ तो वैल्यू निकालना आपके लिए इजी नहीं है ये। हाँ अगर आप वो आपके पास पहली ग्राफ बना हुआ हो, कंप्यूटराइज ग्राफ हो, तो उससे निकालना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो टेंजेंट 80 डिग्री आपके पास पेपर में नहीं आ सकता ये।